आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल का चटपटा मीट। आधे किलो मटन के लिए हम लेंगे हरा धनिया, हरी इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, स्टार्च, लाल मिर्ची, डोडा इलायची, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और सौंफ। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और ये उबला हुआ मीट। सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेना है, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें और दो लाल मिर्ची, फिर दो तीन तेज पत्ते डाल सकते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा उसको भूनने दें। उसके बाद में पिसा हुआ अदरक, लहसुन और प्याज का मसाला डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लें। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची डालना है और अच्छे से फिर से तेल में थोड़ी देर तक पकाना है। अब मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची डालिए, स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए और फिर से एक मिनट के लिए भून लीजिए। ये हल्दी है, ये धनिया है और ये है थोड़ा गरम मसाला और इसको फिर से तेल में एक दो मिनट के लिए भून लीजिए। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो उसमें कटे हुए बारीक टमाटर डाल दीजिए और फिर दो मिनट के लिए भून लीजिए। जो हमने खड़े खड़े मसाले दिखाए थे उसको हमने भून लिया है और पीस लिया है। अब हम बारी बारी से गरम मसाले एक एक करके डालेंगे। देखिए हमने पिसा हुआ गरम डाल दिया है इसमें। ये है सौंफ और खड़ा धनिया का जो पाउडर बनाया था। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डालेंगे लेकिन पहले भूंज लें हम। हम थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिया इसमें, क्योंकि भून जाए तेल छोड़ने लगे तो इसमें हम अपना उबला हुआ मीट डालेंगे। अब हमारा मीट अच्छी तरीके से पक चुका है तेल में। अब हम इसमें जितना भी पानी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं अपने अनुसार। अब 15 से 20 मिनट तक हम लोग ढक के पकने देंगे मीट को, उसके बाद आपका मीट तैयार है। अगर आपको पानी कम करना है तो और उसको सुखा सकते हैं।